तेजस्वी यादव को संदेश दीजिएगा कि हमने उनको डिप्टी सीएम बनाया, हमने विधायक और मंत्री बनाया, शादी करवा दी, अब घर में बच्चे दौड़ेंगे और हम लोगों को हाल बेहाल करके रखा है। घर में बच्चा ना दौड़ते हो, ना दौड़ते हो, ना दौड़ते ही मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी किसी को नहीं चाहते कि शादी विवाह हो। बहुत गुस्सा है, हम लोग 160 किलोमीटर से पैदल आए हैं, बिहार के एक एक सरकारी विद्यालय में घूमे हैं, सब ध्वस्त हो चुका है। बिहार सरकार को और पटना में बैठा हुआ हाकिम को अब ये सुनना पड़ेगा कि सरकारी विद्यालयों का हाल जो बदहाल है उसको ठीक करे। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे। देखिए कुम्हरार पहुंच गए हैं, सीटी अभ्यर्थी जो लगातार पैदल चल रहे थे, बताइए कि कहां से पैदल चल रहे थे, लोगों को बता दीजिए। महोदय, हम चंपारण से बापू की कर्म भूमि से आ रहे हैं और हम राजभवन जा रहे हैं ये संदेश देने कि बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था है वह ध्वस्त हो चुका है और गरीब के बच्चे, वंचित के बच्चे, पिछड़े मुसलमान और उच्च जाति के गरीब के बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं। तो अब सरकारी विद्यालय का हाल बंटाधार हो गया, कहीं शिक्षक नहीं है, कहीं शिक्षक नहीं है, पैदल चल के क्या मिल गया ये बता दीजिए। हम ये संदेश देना चाहते हैं कि बिहार सरकार को और पटना में बैठा हुआ हाकिम को अब ये सुनना पड़ेगा कि सरकारी विद्यालयों का हाल जो बदहाल है उसको ठीक करे। की दिक्कत कितना हुआ शिक्षा बचाओ यात्रा में और बहुत क्या लगा कि बिहार में पढ़ाई होता है कि नहीं होता? कुछ नहीं होता, बिहार में एक भी विद्यालय सरकार बता दे जहाँ शिक्षक हो, प्रयोगशाला हो, प्रधानाध्यापक हो, शौचालय हो, खेल का मैदान हो, एक भी विद्यालय। क्या होगा, आप इतना पैदल चल गए तो आपको हक मिल जाएगा, एसटीटी को हक मिल जाएगा? नहीं नहीं, इसके लिए हम एकदम जान की बाजी लगा देंगे और देखिएगा शिक्षक विहीन विद्यालयों में सरकार हमारी भर्ती करे। हम एसटीटी पास है, मेरिट में है, शिक्षक बनने के काबिल है, सरकार हमारी नौकरी पक्की करे वरना सरकार का हम लगता है। सबसे बड़ी खबर की देखिए, चलने में दिक्कत हो रहा है इनको, उसके बाद भी चंपारण से निकले, बताइए कि क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुम सुंदर भारती हुआ। तो चलने में दिक्कत है उसके बाद भी इतना जोश? हाँ, क्योंकि बिहार की शिक्षा व्यवस्था उतनी लचर पचर हो गई है कि हमको रहा नहीं गया, रहा नहीं गया। तो स्थिति है वो चलने लायक नहीं, देख लीजिए मुख्यमंत्री जी, देख लीजिए, देख लीजिए। लेकिन यह चंपारण से पैदल चलते आए हैं हम, आपको शिक्षा बचाओ यात्रा निकाले हैं, मुख्यमंत्री जी आप पैगाम देने हैं, आप संकल्प ले लिए हैं बिहार को बर्बाद करने का, शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने का। हम संकल्प ले चुके हैं बिहार का शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने का, हम आपको पराजित करेंगे और पराजित करके दिखाएंगे कि शिक्षा को ठीक कर सकते हैं। इसलिए हम चंपारण से शिक्षा बचाओ पद यात्रा निकाले हैं, अभी राजभवन जाएंगे, हम महामहिम को ज्ञापन सौंपेंगे, महामहिम को कहेंगे कि आदेश दीजिए शिक्षा विभाग और बिहार सरकार को कि बिहार का सरकारी स्कूल जो ध्वस्त हो चुका है उसको ठीक करे, ये हम कहने आए हैं। गुस्सा बहुत लग रहा है, बहुत गुस्सा है, हम लोग 160 किलोमीटर से पैदल आए हैं, बिहार के एक एक सरकारी विद्यालय में घूमे हैं, सब ध्वस्त हो चुका है। सब कहता है कि यहाँ कोई नहीं पढ़ने आता है, यहाँ ढील बिछवाने आता है, कंघी करवाते हैं बच्चे लोग से। इसलिए मुख्यमंत्री जी कागज पर जो चलाते हैं और विधानसभा में गोल गोल जो कटाक्ष करते हैं बंद कीजिए, और एसटीटी मेरिट में आए शिक्षक अभ्यर्थी को नियमावली में प्रावधान। तेजस्वी यादव में बड़ा गर्म लग रहे हैं आप सभी लोग, क्यों नहीं गर्म होंगे? आप जाके देखे बिहार के सरकारी विद्यालय की स्थिति, हमने आंखों देखा आपको बता रहे हैं। हम लोग जब रास्ते में चले तो कितने विद्यालय मिले, उस विद्यालय में गए तो वहाँ एक भी शिक्षक नहीं मिला। प्लस टू विद्यालय से भवन खड़ा है लेकिन उसमें शिक्षक नहीं है। अरे कैसे पढ़ाई करवा रहे हैं आप बिहार को, तो आपने मानसिक तौर पर अपंग बनवा दीजिए। मजदूर पिटा रहा है क्यों? क्योंकि हम लोग मजदूर की फैक्ट्री बना दिए हैं, हम लोग मजदूर बनकर के बाहर जा रहे हैं और वहाँ से मार खा के आ रहे हैं। क्या स्थिति कर दिया आपने बिहार का? कहाँ तक जाएगा? राजभवन जाएगा, राजभवन तक पहुँचेंगे, राजभवन। किस तरह से सीट जब बनी, आपने देखिए कितना गर्म है। 64-61 उत्क्रमित हाई स्कूल बना दिए नीतीश कुमार, लेकिन उसमें एक भी शिक्षक नहीं। हम लोग पैदल मार्च करते आ रहे हैं, उसमें एक भी शिक्षक नहीं था, केवल एक प्रधान। तेजस्वी यादव को संदेश दीजिएगा कि हमने उनको डिप्टी सीएम बनाया, हमने विधायक और मंत्री बनाया, शादी करवा दी, अब घर में बच्चे दौड़ेंगे और हम लोगों को हाल बेहाल करके रखा है। घर में बच्चा ना दौड़ते हो, ना दौड़ते हो, ना दौड़ते ही मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी किसी को नहीं चाहते कि शादी विवाह हो। अपना तो गद्दी ओले लिया है लेकिन शिक्षक अभ्यर्थी को नाश कर दिए। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से, देखिए चलने में दिक्कत हो रहा है उसके बावजूद ये लोग जो हैं वो 160 किलोमीटर तय करके पटना पहुंच गए। देखिए कुम्हरार में हम मौजूद हैं और देखिए एसटीटी अभ्यर्थी पहुंच गए पटना। बस साफ कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार
सबको बता देंगे, राजभवन भी जाएंगे, क्या कुछ माहौल बन रहा है वो आप देख सकते हैं, और किस तरह से पैदल चल के अपना हक मांग रहे हैं। चंपारण से पटना तक का सफर तय किए हैं, और सबसे बड़ी खबर की दिव्यांग यानी चलने में दिक्कत हो रहा है उसके बाद भी ये लोग चल रहे हैं, और देख सकते हैं कि कितने लोग हैं और सबका क्या कुछ मांग है, क्या कुछ माहौल बना था वो आपने देख लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर पेज को लाइक करें, धन्यवाद।